Dear customer, you have not done any transactions in the last 23 months. Please do transactions using your account, otherwise your account treated as inoperative account. आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ एक SMS आया होगा, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। और इस SMS का मेन मतलब क्या है, ये SMS क्यों भेजा जा रहा है, आखिर मैं बैंक की तरफ से ऐसा क्यों बोल रहा है कि आपका अकाउंट एज अ इनऑपरेटिव अकाउंट के रूप से ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको जानने हैं, अगर आपको पता करने हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, जो आखिर में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सर फ्रेंड्स, रूरल रियल टेक, अगर आपका मल्टीपल बैंक पे अकाउंट है और अगर आप उस अकाउंट को ठीक तरह से यूज यानी इस्तेमाल नहीं करते हो, तो भी आपके पास ऐसा कुछ SMS आया होगा जहां पे लिखा है यू हैव नॉट डन एनी ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 23 मंथ या फिर 22 मंथ्स अरेवा। प्लीज डू ट्रांजेक्ट यूजिंग योर अकाउंट, अदरवाइज योर अकाउंट में ट्रीटेड एज अ इनोवेटिव अकाउंट। इनका मतलब ये हुआ आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट्स है और उन अकाउंट पे आप उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, यानी आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, एज पर RBI गाइडलाइंस आपके पास कितना अकाउंट होगा, आप कितना अकाउंट खोल सकते हो, आप कितना अकाउंट रख सकते हो, इनके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। और RBI की तरफ से भी ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है। RBI की तरफ से ये कहा गया है कि आप जितना चाहो उतना अकाउंट्स खोल सकते हो, उतना अकाउंट्स रख सकते हो, लेकिन हर अकाउंट्स का, हर कैटेगरीज का जो भी चार्जेस है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी डिटेल्स है, वही आपको ठीक तरह से मेंटेन करना होगा। यानी अगर आपका 10 बैंक के अंदर अकाउंट है, तो 10 बैंकों का 10 जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना होगा। और इसीलिए मैक्सिमम लोग जितना भी अकाउंट है और वो अकाउंट अगर आप यूज नहीं करते हो, यानी इस्तेमाल नहीं करते हो, अकाउंट खोलकर ऐसे ही रख दिए हो, तो आपके पास ऐसा एक SMS आया होगा। इस SMS का मतलब ये हुआ अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है, आप जितना भी अकाउंट चाहो मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हर अकाउंट को आपको ट्रांजेक्शन के रूप से दिखाना होगा। अगर आपका पास 10 अकाउंट है, तो 10 अकाउंट को आप तो रख सकते हो, लेकिन 10 अकाउंट पे आपको ट्रांजेक्शन करना होगा। अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो बहुत दिन से, तो आपका अकाउंट एज अ इनोवेटिव अकाउंट के रूप से ट्रीट किया जाएगा, यानी आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट के साथ इलीगल कन्वर्ट भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, ऐसे कोई भी इनोपरेटिव अकाउंट होते हैं जो लोग उतना ज्यादा यूज या फिर इस्तेमाल नहीं करते, और उसी अकाउंट पे फ्रॉड एक्टिविटी होते हैं, फ्रॉड काम होते हैं। और इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपके पास मल्टीपल्स अकाउंट है, तो हर अकाउंट पे आप महीने पे अगर ना हो सके, तो 6 महीने पे, 1 साल पे एक बार मिनिमम ट्रांजेक्शन करिए, नहीं तो आपका अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट के रूप से दिखा जाएगा और आपका अकाउंट से क्या होगा आपको भी पता नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट से कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी होते है, तो बाद में अगर कोई भी केस होते है, बाद में अगर कुछ भी होते है, तो आप ही पकड़ जाओगे, उनका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट आपका है, आपका नाम पे ही अकाउंट है। एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके पास मल्टीपल्स अकाउंट है और उस अकाउंट को अगर आप यूज या फिर इस्तेमाल नहीं करते, तो उस अकाउंट को आप बंद कर सकते हो। एज अ अकाउंट क्लोजिंग रिक्वेस्ट देकर आपका नजदीकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच पे। हालांकि एक बात अलग है कि अभी फिलहाल के टाइम में जितना भी अकाउंट हो रहे, हर अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है,
क्योंकि मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट नहीं है, इसलिए आप चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एक टेंशन करना उतना ज्यादा भारी आपको नहीं पड़ेगा। और एक ऑनलाइन अकाउंट को क्लोज करने के लिए बहुत ज्यादा झंझट होते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको उसी बैंक का ब्रांच पे जाना होता है, लेकिन ब्रांच पर आपसे बोला जाता है कि आपका अकाउंट क्योंकि ऑनलाइन ओपन हुआ है, इसलिए इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको ऑनलाइन पे ही रिक्वेस्ट देना होगा। हालांकि ये बात अलग है कि कोई भी अकाउंट ऑनलाइन पे क्लोज या फिर बंद नहीं होते। मुझे एक मैसेज मिला था पंजाब नेशनल बैंक तरफ से, और उस एसएमएस पे जो लिखा था, जो डिटेल्स था, आखिर में ये मैसेज मुझे क्यों मिला है और आखिर में ये मैसेज का आपको मिल सकते हैं, इनके ऊपर जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। और अगर कोई भी और डाउट सवाल कुछ भी है तो मुझे कमेंट पे पूछ सकते, जितना हो सके मुझे, मैं उतना कोशिश करूंगा आपका सवाल का जवाब देने के लिए। तो वीडियो का इतना करते हैं, आशा करते हैं जो डिटेल्स में बताया, जो डिटेल्स में स्पेंड किया आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल है प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो बनाऊं उसके मिल जाए।